नमस्कार, मैं हूँ अनु सिंह और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की बड़ी खबरें। बिहार में मिले कोरोना के 1266 नए मामले, राज्य में आंकड़ा पहुंचा 16,305। बिहार में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है। प्रत्येक दिन सैकड़ों की तादाद में मरीज की संख्या सामने आ रही है। देखते ही देखते सारा जिला इसकी चपेट में आ गया है। आज बिहार में सबसे ज्यादा आंकड़ा निकला है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 1266 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,305 हो गई है। तेजस्वी और चिराग पर सुशील मोदी का तंज। सुशील मोदी ने ट्वीट कर लिखा, विधानसभा चुनाव समय पर हो या टल जाए, एनडीए आयोग के निर्णय का पालन करेगा। हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन जैसे कमजोर विद्यार्थी परीक्षा टालने के मुद्दे खोजते हैं, वैसे ही राजद अपनी संभावित हार को देखते हुए चुनाव टालने के लिए बहाना खोज रहे हैं। अगले महीने से बिहार के चुनावी मैदान में उतरेंगे कन्हैया कुमार। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष से वाम दलों को बड़ी उम्मीद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अगले महीने से जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाली सीपीआई को कन्हैया कुमार से बड़ी उम्मीद है। सबसे बड़ी उम्मीद तो यही है कि कन्हैया कुमार को मैदान में उतारकर सीपीआई महागठबंधन में ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। दानापुर की 5 सड़कें खुलवाने को लेकर रक्षा मंत्री से मिले भाजपा सांसद। दानापुर सैन्य इलाके में बंद 5 सड़कों को खुलवाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। कहा कि दानापुर के सैन्य अधिकारियों द्वारा अकारण बंद किए गए छवानी परिषद की 5 सड़कों के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। रक्षा मंत्री ने सांसद को जल्द ही समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया है। दहेज नहीं देने पर पति ने की दूसरी शादी। भागलपुर में दहेज में 1,00,000 नकद और बाइक नहीं देने पर पूजा के पति संतोष मंडल ने दूसरी शादी कर ली। महिला ने शौतन को घर लाने पर विरोध किया तो महिला को बच्चे के साथ घर से मारपीट कर भगा दिया गया। महिला ने पीरपैंती थाने में पति समेत ससुराल पक्ष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विक्रमशिला के समांतर पुल को हरी झंडी। झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ बढ़ेगी कनेक्टिविटी। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समांतर बनने वाले नए पुल को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के स्तर पर विभागीय एक्सपेंडिटर फाइनेंशियल समिति ने विक्रमशिला सेतु के समांतर 4 लेन पुल के निर्माण की अनुशंसा कर दी है। इसके निर्माण पर 11,016.72 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। 4 साल में पुल का निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। बकरा और कनकई नदी में उफान। अररिया और किशनगंज के 24 से अधिक गांवों में घुसा पानी। 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र से पानी आने के कारण अररिया के बकरा नदी और किशनगंज के कनकई नदी में उफान आ गया है। इन दोनों नदियों में उफान आने से अररिया के पलाशी प्रखंड क्षेत्र और किशनगंज के दिघल बैंक प्रखंड के 24 से अधिक गांवों में पानी घुस गया है। लोगों को एक बार फिर 2017 के प्रलयकारी बाढ़ जैसी आपदा आने का डर होने लगा है। बिहार में नक्सली हमले की आशंका। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को किया अलर्ट। बिहार में पुलिस टीम पर बड़ा हमला हो सकता है, इस बात की आशंका पुलिस मुख्यालय ने जताई है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के सभी जोन के आईजी, डीआईजी, एसपी समेत रेल एसपी को भी अलर्ट किया गया है। सभी जिलों में विशेष पुलिस बल की तैनाती करने का निर्देश भी जिले के पुलिस कप्तान को दे दिया गया है, ताकि किसी भी हालत से सख्ती से निपटा जा सके। पुलिस मुख्यालय ने सभी एसपी को किया है अलर्ट। खबर में आगे बढ़े उससे पहले आज का फास्ट जीएस रिप्लाई का सवाल आ रहा है, तो तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देने के लिए। तो सवाल ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 11 नवंबर 1918, ऑप्शन बी 28 जुलाई 1914, ऑप्शन सी 23 जुलाई 1939 और ऑप्शन डी 1 सितंबर 1939। उम्मीद है आप लोग सभी अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, ताकि कल के क्विज में आप लोग सबसे पहले जवाब दे सके। तो चलिए आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। स्टूडेंट की मौत के बाद किर्गिस्तान में फंसे 2000 बिहारी मेडिकल स्टूडेंट में दहशत। कोरोना संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। महामारी लगातार बढ़ते जा रही है, हर कोई परेशान है। किर्गिस्तान में एक बिहारी छात्र के मौत के बाद वहां मौजूद अन्य बिहारी छात्रों में दहशत है। छात्र घर लौटने के लिए बिहार सरकार से बार बार गुहार लगा रही है।
पटना पुलिस की उड़ी नींद, शौक पूरा करने की सुपारी किलर बन रहे हैं युवा। राजधानी में पिछले 6 से 7 माह से कॉन्ट्रैक्ट किलरों ने पटना पुलिस की नींद उड़ा दी है। महज अपने शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने जयराम की दुनिया में कदम रखा। पटना में हाल में हुई बड़ी वारदात में ऐसे सुपारी किलरों संलिप्त पाए गए हैं जिनका पहले आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। कम उम्र के लड़के बिना सोचे समझे बेधड़क होकर हत्या जैसे संगीन वारदात कर रहे हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज में साजिशकर्ता से हत्या का सौदा करते हैं तथा रेट सेट होते ही वारदात को अंजाम दे डालते हैं। पटना हाईकोर्ट के 19 सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव। राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब पटना हाईकोर्ट भी इसकी चपेट में आ गया है। यहां कार्यरत 20 में से 19 सुरक्षाकर्मी को कोरोना संक्रमित पाया गया है जिसके बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही कोर्ट परिसर को सैनिटाइज कराया जा रहा है। DSP पाए गए थे संक्रमित। सुरक्षाकर्मियों को कोरोना संक्रमित पाए जाने के पहले हाईकोर्ट के पदस्थापित DSP को MNCH में जांच के बाद संक्रमित पाया गया था जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मामला सामने आने के बाद सुरक्षाकर्मियों की जांच की गई थी। गोपालगंज के आइसोलेशन वार्ड में शराब पीते शख्स का वीडियो वायरल। गोपालगंज जिले के सदर अनुमंडल अंतर्गत सिद्धवलिया के झजवा आइसोलेशन वार्ड में एक युवक के शराब पीने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इसे स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही के रूप में देखा जा रहा है। नेपाल में तेज बारिश। बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। नेपाल के इलाके में लगातार बारिश हो रही है जिसका असर बिहार में दिख रहा है। बिहार की 10 नदियां उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली नदियों में गंडक, कमला, बलान, भूतही, बागमती, लालबकिया, अधवड़ा, घाघरा, खांडो और महानंदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है जिसके कारण कोशी इलाके और सीमाचल एरिया में कई इलाकों में बाढ़ का पानी भर गया है। NDA में जारी तकरार पर RJD का पलटवार। RJD प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने NDA में जारी घमासान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि BJP का चाल, चेहरा और चरित्र उजागर हो गया है। उनके नेता लोजपा को लेकर जिस तरह बयानबाजी कर रहे हैं उससे साफ है कि NDA में चुनाव से पहले सिर फुटावल शुरू हो चुका है। गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर लाने वाले कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव। कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे को उज्जैन से लेकर आ रही कार में सवार एक कांस्टेबल कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि शनिवार देर रात कांस्टेबल के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की खबर आई है। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लॉकडाउन में सांस लेने लायक हुई राजधानी की हवा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे आया। राजधानी पटना में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 7 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। इसका असर हवा पर भी पड़ा है। 3 दिनों में पटना की हवा एक बार फिर से साफ हो गई है और सांस लेने लायक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से 50 के नीचे आ गया है। चलिए अब वक्त हो चुका है कल के प्रश्न का सही जवाब जानने का। कल के प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अमृतसर। जिन्होंने भी सही जवाब दिए उनको बहुत बहुत बधाई। उनमें से जो सबसे पहले 20 ने सही जवाब दिए उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। अगर YouTube की बात की जाए तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम है भूपेंद्र कुमार गुप्ता। उसके बाद है मलिक मौर्य, MK सिंघम, राहुल कुमार, धूम यादव, शशि झा, सरफराज आलम, मिथुन कुमार, गौरव झा, सत्यम शिवम और शिव क्रांति। इसके अलावा अगर फेसबुक की बात करें तो जिन्होंने सबसे पहले जवाब दिए हैं उनके नाम हैं प्रतिभा झा, उसके बाद है सत्यम यादव, शिवम यादव, भूपेंद्र कुमार भारती, पुष्पेश पड़ासर, नीतीश राणा, परशुराम, रितेश कुमार, MD अंजार और MK यादव। बहुत बहुत धन्यवाद सबको।